दुनिया दो भागों में बट गई थी, एक वेस्टर्न ब्लॉक और एक ईस्टर्न ब्लॉक। ये सुपर पावर्स जो शीत युद्ध में फंसे थे, एक पैसिफिक बॉर्डर जोन, जे कंट्री। ये एक वक्त दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हुआ करता था, पर स्रोतों की कमी और आर्थिक उथल पुथल के चलते राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन पर एक साथ प्रभाव पड़ा, जिसने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक्स के बीच शक्ति संतुलन। जे कंट्री में जासूसों के एक दूसरे को दी जानकारी पर भरोसा करना पड़ा। आपका नॉन आर्टिफिशियल सिल्वर स्टीक सर, जैसा आपने ऑर्डर किया था। इसका टेस्ट घटिया है। तुम्हें पता है स्टीक क्या होता है? उसके साथ खून का भी टेस्ट आना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, यह उस तरह का नहीं है। सॉरी, मैं दूसरा लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब टेस्ट सही होगा। जाकर उस छमिया को ले आओ। तुम्हें हमेशा नई लड़कियां चाहिए होती है ना? ओह यस, मैंने चेक कर लिया। मेरे साथ आओ। तुम्हें इससे पहले यहाँ देखा नहीं है। सही कहा, मैं शहर में नहीं हूँ। इसलिए तुम्हें पहले देखा नहीं है। बटरफ्लाई, क्यों ना हम दोनों मॉब में चलें? तुम मुझे ऐसे घूरो मत। प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ। मैं जानती हूँ स्टिंगर,
बहुत सी लड़कियों के साथ रात गुजारी है मैंने, पर तुम जैसी कोई नहीं मिली। मैं तो सही में पागल हो गया। मुझे ये जानकर खुशी हुई। बाय द वे, ये मॉक क्या है जो तुमने कहा था? ये वो जगह है जहां हम बॉडीज को ले जाते हैं जबकि उसमें जान होती है। बहुत सारे ईस्टर्नर्स ठिकाने तलाश रहे हैं वेस्टर्न पार्ट्स में। हम बस थोड़ी सी मदद कर देते हैं उनके बहुत सारे पैसों के लिए और उन्हें बायोटेक कंपनीज में बेच देते हैं। ये एक तीर से दो शिकार करने जैसा है। अब मुझे बताओ, तुम आखिर हो कौन? वेस्ट की जासूस हो या फिर ईस्ट की जासूस? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। कोशिश थी। नहीं हो सकता, ये सब हथियार थे। आखिरकार तुम हो कौन? 0091 बच्चों के ज्यादा पैसे मिलते हैं। रैंक बी, चल अंदर, चल। रैंक डी, जो किसी के काम का नहीं। शांत रहो। मैंने कहा ना शांत रहो। तुम्हें देर हो गई।
क्या है? तुमने स्टिंगर के साथ क्या किया? वो जल गया नरक की आग में। मार डालो इसे! हे तुम, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपना अतीत याद नहीं, बस यही पता है मैं ईस्ट से भागी थी। मेरी माँ और भाई मर चुके थे और वेस्ट ने मुझे अपना लिया। एक एजेंसी, एक सीक्रेट गवर्नमेंट यूनिट ने मुझे सिखाया और जासूस बनने की ट्रेनिंग दी। मुझे बेहतर बनाने के लिए और परफेक्ट एजेंट बनाने के लिए मेरे अंदर 7 खुफिया हथियार इम्प्लांट किए गए। मैं एक इंसान से ज्यादा पावरफुल बनी। मैं एक साइबॉग एजेंट बनी। I-91, report to 020.
9-1, तुम्हारा अगला मिशन है डॉक्टर क्लेन को बचाना, हमारी सबसे इंटेलिजेंट ऑफिसर। फोर्टी थ्री मिनट पहले ईस्टर्न जासूसों ने हमारे बायोटेक रिसर्च लैब पर छापा मारा। उन्होंने डॉक्टर क्लेन को बंधक बना के रखा है। डॉक्टर क्लेन उनके कब्जे में है, जो हमारे टॉप सीक्रेट प्रोग्राम पॉस प्रोजेक्ट का जरूरी हिस्सा है। तुम्हें उसे छुड़ा कर लाना है। मेरा एक सवाल है। पूछो। फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम जिसमें यूज होता है साइबॉर्ग टेक्नोलॉजी का, जिससे तुम बनी हो। इसलिए डॉक्टर क्लेन एक तरह से तुम्हारी मां जैसी हैं। मां जैसी? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। उस तरफ जाकर कड़ी नजर रखो और तुम दोनों पीछे की तरफ जाओ। कम ऑन हेडक्वार्टर्स, हमारा बचाव दल कहाँ है? क्यों क्यों वो अभी तक यहाँ नहीं आए? तुम सब अकेली हो। चुप रहो, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं और उन लोगों के लिए जो मारे गए हैं। हमारे लोग हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुमसे क्या कहा था? अच्छा हुआ आप आ गए एजेंट 009। लोकेशन? सेकंड फ्लोर पर एक कमरा है, वहाँ दाईं तरफ, पर वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेटेड है, इसलिए अंदर जाने में काफी परेशानी होगी। समझ गई। रुकिए, क्या आप वहाँ अकेली जाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। खुद पर बहुत भरोसा है। सो अफवाहें सच है, आप आम इंसान नहीं है, आप मॉन्स्टर हैं। हाँ, तो तुमने भी ये अफवाह सुनी है? तुमने जो कहा मैं उससे कहीं अधिक हूँ, तो अच्छा होगा शांत रहो। हाँ? We'll be right back.
पुलिस कैसे हो सकती है? ये वेस्टर्न साइबोर्ग एजेंट है, मुझे लगा था ये सब झूठ है। हम हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं। दिस इज शैडो, दुश्मन हमारे सामने है, मदद भेजो प्लीज। मिशन अबॉर्ड कर दिया है, वापस आ जाओ। ओवर एंड आउट। हमारे साथियों ने छोड़ दिया, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? मैं आपके लिए आई हूं, आप ठीक तो हैं? जीरो टू जीरो ने मुझे बताया था। डॉक्टर क्लेन एक तरह से तुम्हारी माँ जैसी हैं। उन्होंने कहा कि आप आने में इतना वक्त क्यों लगा? जिंदगी बर्बाद मत करो। ये हमारे हाथ में नहीं है और कोई रास्ता नहीं। हमारा काम खत्म होते ही हमें छोड़ दिया जाता है दूसरे जासूसों की तरह, मतलब तुम्हारी तरह। हम बस वक्त जाया कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है बताओ। देखो हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें ये लैब जलानी होगी, पर उससे पहले सारे डेटा जमा कर लेना। हाँ मैम, बस दो घंटे में हो जाएगा। एक घंटे में करो और इस सैंपल को कहीं और ट्रांसफर करो। क्या ये सैंपल है? डॉक्टर, ये ईस्टर्न का आदमी है, मैंने इसे पिछली रात बचाया था। पता है। तो आप स्टिंगर की कस्टमर हैं? उसने धोखा देने की कोशिश की हमारे लिए सामानों की कीमत बढ़ाकर, मुझे ये पसंद नहीं, इसीलिए तुमसे मरवाया। साइंटिस्ट हमेशा खतरनाक होते हैं। मैं इसे ले जाऊंगी। ओके, जैसा आप चाहें। मैं नहीं जानता मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। क्या? मुझे कुछ कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्रिस है। क्रिस, क्या यही मेरा नाम है? ये मैंने रखा है क्योंकि तुम्हारी आंखें क्रिस्टल की तरह है। मुझे तुमसे मदद चाहिए प्लीज। वो धुन फिर से गुनगुनाओ, वो सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जरूर।
रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगी। डरो मत, यहाँ डरने लायक कुछ नहीं। रुको, मारो इसे। ये भी एक मॉन्स्टर है। गोली लगी है पर सारे अंग ठीक है। छत पर, यहीं पर रहो, हिलना मत। Thank you.
तुम ठीक हो? बेटा 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 कैसे हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? मॉन्स्टर, चलो। मैं मॉन्स्टर हूं क्या? सच में? हम कहाँ हैं? रिलैक्स, ये मेरा घर है। तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैलिन। बहुत अच्छा नाम है, मैलिन। तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? किसी बात से परेशान हो क्या? मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे मेरा परिवार याद नहीं है। मुझे याद नहीं वो कैसे दिखते थे। तुम और मैं, हम दोनों एक जैसे हैं। हाँ, चलो उन्हें ढूंढते हैं, हमारी आखिरी यादें, हमारी सच्ची पहचान। मैलिन, हम दोनों उन्हें साथ मिलकर ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिर चलो ढूंढे। वादा करती हो मुझसे? वादा करती हूं। बहुत अच्छा लगा।
तुमने अपने काम का रिपोर्ट पिछली रात क्यों नहीं दिया? आई एम सॉरी। मैं वाकई में तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। तुम्हें पता है क्यों? तुमने दुश्मन को जाने दिया, उनका पीछा नहीं किया। तुम उसे रोक सकती थी डॉक्टर क्लेन को ले जाने से। वहां कोई मर रहा था। जोक मारती हो? तुम्हें क्या लगता है, पता है ये कितना सीरियस मैटर है? इसी वक्त तुम्हारा 00 स्टेटस खत्म। तुमने ये अच्छा नहीं किया। बाकी दूसरे 800 बचाव अभियान अभी से शुरू करेंगे। तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन से, मिस हॉफमैन। शर्म की बात है। तो फिर जाओ मॉन्स्टर। काम खत्म होते ही हमें छोड़ दिया जाता है दूसरे जासूसों की तरह, मतलब कि तुम्हारी तरह। मैं कोई फेंकने वाली चीज नहीं हूं। प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम चाहते थे। बहुत बढ़िया। कोई प्रॉब्लम है बताओ। तो अफवाहें सच है, आप आम इंसान नहीं हैं, आप मॉन्स्टर हैं। तो फिर जाओ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर, तुम मॉन्स्टर हो। बताओ मुझे कौन हूं मैं। なくしてしまった過去を、本当の自分をミリーネも僕と一緒に取り戻しましょう。約束ですよ。約束、約束。मुझे पता है तुम किसे ढूंढ रही हो और वो कहां मिलेगी।
एक ड्राई मार्टिनी और कुछ लेंगी? मुझे कीपी का मैप चाहिए। तुम्हें पता है वो कहाँ है? डोंट वरी, वो इस पार्टी के होस्ट के पास है, एलन लैब। तो बताओ वो कैसे मिलेगा? तुम्हें उसे चेस में हराना होगा। तुम मैप के लिए खेलोगी, वो तुम्हारे लिए खेलेगा। इंटरेस्टिंग, समझ गई। शेरिन, वो बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी है, बी केयरफुल। कोई भी मेरे सामने इतनी देर टिक नहीं सका, काफी लंबे समय से। मैं इसका लुत्फ उठाना चाहता हूं जब तक संभव हो सके। पर मैं जल्दी में हूं। चेकमेट। अब मुझे मेरा इनाम दो। बहुत अच्छा है। मैंने बहुत खर्च किया है इससे मिलिट्री उपकरण के लिए, और मुझे इसका इनाम भी मिला, पर अब यह पुराना हो चुका है। अब इसकी कोई कीमत नहीं रही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये मैप क्यों चाहती हो? मुझे पुरानी चीजें पसंद है। मैं शर्त जीत चुकी हूँ, वो मुझे दे दो। हाँ, मैं तुम्हें सूंघ सकता हूं। कितनी प्यारी खुशबू है, वाह। ओके, अब प्यार से बताओ कि आखिर माजरा क्या है। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुम इससे दूर रहो, मैं यहाँ इसी की तलाश में आई हूँ। तुम मुझसे बच नहीं सकती, मॉन्स्टर।
लगता है जब कोई अपना चला जाता है? पता है, झूठ बोलती हो। तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर ये कैसे समझेगा? क्या हो गया तुम्हें? तुमने उसे क्यों नहीं मारा? शायद मैं ऐसी ही हूं। मेरे घर में स्वागत है, आओ ना। शेरन, एजेंसी वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। तुम मुसीबत में फंस जाओगी, मैं ये नहीं चाहती। ऐसा मत करो, मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया, नहीं तो वो मुझे मार चुकी होती। मुझे मदद करने दो। शेरन, डोंट वरी, मुझ में काफी दम है। हे शेरन, तुम आ गई। हाँ, तुम अच्छी तरह रहे? बिल्कुल। सच में? हमारे गेस्ट को हाय कहो। हाय, मैं मैलिन हूँ। हाय, मिलकर अच्छा लगा। ठीक से झुको। सॉरी। सो स्वीट। चलो चल के खाना खाएं। चलो खाएं। आराम से, बहुत गर्म है। ओके। अरे क्या हुआ, तुम्हारा हाथ जला क्या? नहीं। बदमाश, हमेशा ऐसे ही करते हो। ऐसा क्यों करते हो? हाँ, क्योंकि मजा आता है। ओ मजा, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या मैं जोकर दिखती हूँ? पहले अपना खाना खत्म करो और फिर मुझसे ऐसा मजाक मत करना, समझे? ओके। माइलिन, तुम्हें कैसे पता चला कि डॉक्टर क्लेन कीप डी में है? तुम्हें किसने कहा? एक ट्रैकिंग डिवाइस ने मुझे उनका लोकेशन बताया। आई सी। पर तुम उन्हें क्यों बचाना चाहती हो, उस एजेंसी के लिए जो तुम्हें मारना चाहती है? सिर्फ वही मेरा अतीत जानती है, सिर्फ वही। तुम्हारा अतीत? मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ। मैंने वादा किया था। थैंक यू उसे सुलाने के लिए। जल्दी मिलते हैं। पता है, जब काम हो जाएगा मैं ये सब छोड़ दूंगी और आम जिंदगी जीऊंगी काय के साथ। ऐसा जरूर होगा, मेरा वादा है तुम्हारे साथ। इसी तरफ। इसी तरफ। Yeah.
ये रूम यही मेरे सपनों में आता है। मम्मा バストガンは封じさせてもらったよ。丸腰で相手を油断させて倒す君の切り札だろう。誰姿を डरो मत, डरने लायक कुछ नहीं है। सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स। बिल्कुल सही, मरियन की छवि मैंने ही बनाई थी तुम्हारी मां के रूप में। कौन हो तुम? सामने आओ। हे क्रिस, पर तुम तो मर गए थे। वो तो बस एक दिखावा था, सारा खेल मैंने ही रचा था। Thank you.
तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी याददाश्त जगाने के लिए माइलिन। तुम मेरी याददाश्त क्यों जगाना चाहते हो? मुझे यकीन था वो वापस चल जाएगी, तुम्हारी याददाश्त पर जोर डालने के लिए और अपने जज्बात बाहर आने के लिए। मैं तुम्हारे करीब आया। अव्यधि, गुस्सा और नफरत ने तुम्हारे याददाश्त को फिर से जगाया है। जैसा मैंने सोचा था, अब वो एहसास अपने बनाने वालों को दिखा दो माइलिन। चलो एक साथ दुनिया को बदल देते हैं, डियर फ्रेंड। क्या ये ठीक नहीं है माइलिन? पॉल, तुम्हें याद आ गया डियर फ्रेंड, मैं पॉल हूँ। तुम जिंदा हो? तुम कैसे बच गए? मुझे भी वो ले गए थे और एक ईस्टर्न एजेंट बनाया गया मुझे, पर फिर मैंने उन सबको जुटाया जिन्हें मैं चाहता था। तुम्हारा परिवार? ऑफ कोर्स, नफरत ने जोश भरा। उन लोगों के खिलाफ बदले की भावना थी जिन्होंने मेरा परिवार छीना, इसलिए मैं सीक्रेट प्लान बनाने लगा इस दुनिया से बदला लेने के लिए, और इसलिए मैंने डॉक्टर क्लैन को किडनैप किया। मेरी सेनाएं हमला करेंगी ईस्ट और वेस्ट पर, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी और मैं दूसरी नई दुनिया बनाऊंगा। ये ठीक नहीं है। डॉक्टर क्लैन कहाँ है? उन्हें छोड़ दो अभी। माय फ्रेंड, जरा होश से काम लो पॉल, युद्ध से अनगिनत जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, लोग अपनों को खो देंगे जैसे हमने। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम सही कह रही हो दोस्त, पर हमारे पास बस यही एक रास्ता है। दुनिया का अंत तो तय है, हमें बस साथ मिलकर एक नई दुनिया बनानी है। दुनिया बनानी है? परफेक्ट साइबॉर्ग हमारे शरीर से मिलेंगे तो परफेक्ट फैमिली बनेगी। हमें फिर से कभी अलग नहीं किया जाएगा। पॉल, तुम पागल हो। ओह डियर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अब रुकना तो नामुमकिन है। मैं तुम्हें रोकूंगी। शायद ये तुम्हारी सोच बदल दे। इस 00 प्रोजेक्ट में यतीमों को समझदारी, इच्छा शक्ति और निर्णय क्षमता देकर इन्हें साइबॉर्ग एजेंट बनाया जाता है, यही इसका तरीका है। पर ज्यादातर लोग बीच में ही मर जाते हैं। बस तुम ही एक सफल हुई हो। नहीं, ऐसे 9 साइबॉर्ग एजेंट्स हैं। हम 00 एजेंसी के लिए काम करते हैं। क्या तुम कभी मिली हो अपने साथी साइबॉर्ग एजेंट से? तुमने देखा है उन्हें? देखो, तुम इस दुनिया में एक अकेली ही मॉन्स्टर। जानती हो, इतना खर्चीला और महत्वपूर्ण साइबॉर्ग प्रोजेक्ट बंद हो गया भविष्य के जेनेटिकली रीएनिमेटेड सोल्जर्स की भलाई के लिए। क्या यह सही नहीं है? बिल्कुल सही। डॉक्टर क्ले, क्यों? मैंने इसे अपना रिसर्च भेज दिया है। मुझे बस इसकी चिंता है कि मैं अपने दिमाग की बेचैनी शांत कर सकूं। मुझे बस यही चाहिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है यू मॉन्स्टर? तुम पहले से ही मरी हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें फिर से शांत करना होगा। हम्म,
देखो मेरे मॉन्स्टर के नए वर्जन, मेरी नई खोज। अब ये तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती। क्यों किया ये? डॉक्टर क्लेन, आप ये गलत कर रही हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कम ऑन, इसे नोच डालो। हराना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हें मेरी नई खोज का अंदाजा लगेगा। कितनी चोट लगी, मेरी नई खोज हार नहीं सकती। पर इन्हें दर्द हो रहा है। मार दो मुझे। तुम कुछ भी कहो, वो हमला करते रहेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी नहीं रुकेंगे। मैंने उन्हें ऐसा ही बनाया है। शेरी, मुझे अपनी गाय के पास ले चलो। मुझे अपनी गाय के पास ले चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा शिकार उधर है। तुम रुक जाओ, मैंने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, वहीं रुक जाओ। मिशन तो अब लास्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। डॉक्टर क्लेन मर गई है और तुम्हें अपनी याददाश्त और पहचान मिल गई। कांग्रेचुलेशंस, तुमने मुझसे किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया। मैं तुमसे फिर से कहता हूं, आओ और मुझसे जुड़ जाओ। तुम एक परफेक्ट साइबॉर्ग एजेंट बनके हमेशा जिंदा रहोगी। मेरा जवाब वही होगा, पॉल, ये सही नहीं है। मैं तुम्हें जरूर रोकूंगी। फिर कोई और रास्ता बचा ही नहीं है।
मार दो मुझे माइलिन। थैंक यू। काई का ध्यान रखना। पता है जब काम खत्म हो जाएगा मैं ये सब छोड़ दूंगी और आम जिंदगी जीऊंगी काई के साथ। ऐसा जरूर होगा, मेरा वादा है। तुम्हारे साथ। मार दो मुझे माइलिन, मार दो मुझे। अब मैं समझ गई मैं क्यों मॉन्स्टर बनी। इस वहशी दुनिया को खत्म करने के लिए मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। आखिरकार तुम्हारा मन अभी भी नहीं बदला। खैर, ऐसी स्थिति में मुझे तुम्हें मारना ही होगा। कोशिश करो अगर बच सकती हो तो। है ये
कमाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इससे बच पाओगी। खिलाफ लड़ रही हो, बोलो क्यों? वापस आ पाते, फिर से अपने परिवार में। मामा, आई लव यू पॉल, आई लव यू टू। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं। कहा था मैं अपनी नफरत समाज के गलत लोगों के लिए बचा कर रखूं, तो उनसे मैं जरूर लड़ूंगी। Thank you.
よくここに戻ってこれたわね。さすがモンスター。मैंने डॉक्टर क्लेन को बचा लिया। बहुत बढ़िया। इसके अंदर उसका ब्रेन संभाल कर रखा हुआ है, जिसके अंदर फोर्स प्रोजेक्ट डेटा है। आपने कहा था यही मेरा मिशन होगा, उसके ब्रेन को संभालना, राइट? इस मिशन में तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी इस होशियारी को देखते हुए तुम्हें एक नया मिशन दिया जाता है। नया शिकार। थैंक यू सर। सुनो, पिछली बार भावनाओं में बहकर तुमने जो गलती की थी, अब की बार ऐसी कोई गलती ना होने पाए, जरा ध्यान रखना। क्या आपका मतलब है वो मेरा आखिरी दिन होगा? तुम जा सकती हो। नहीं, मैं इस मिशन पर भी कामयाब रहूंगी।予定通り彼女は完成しました。完全なサイボーグエージェントに。0091、いずれ彼女はこの世界を変えるでしょう。あなたの計画通りに。ナンバーゼロ。